दीवार को काटकर चोरों ने की 50,000 की चोरी। दिनाना थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार की रात चोरों ने दिनारा कस्बे के पिछोड़ तिराहे अशोक होटल के पास एक घर की दीवार में सुराख कर घर में रखे 50,000 रुपये नकदी चुरा लिए। खास बात ये रही कि चोरों ने बड़े आराम से दीवार में सुराख कर दिया और घर के किसी भी सदस्य को इसकी भनक तक नहीं लगी। पीड़ित ने इसकी शिकायत दिनारा थाने में दर्ज कराई है। पिछोड़ तिराहे के पास रहने वाले सुनील लोधी ने बताया कि मैं अपने मकान के बाहरी हिस्से में बनी दुकान में दूध डेयरी का व्यापार करता हूँ। घर के पिछले हिस्से में और मेरा परिवार निवास करता है। दूध का भुगतान दूधियों को करने के लिए शुक्रवार की शाम 30,000 रुपये ATM से निकाल कर लाया था। घर में रखे 20,000 रुपये के साथ मिलकर घर के पिछले कमरे में एक बैग में रख दिए थे। शुक्रवार की रात में और मेरा परिवार सो गया। सुबह 5 बजे उठकर घर की गैलरी का दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा नहीं खुला। दूसरे दरवाजे से जाकर देखा तो गैलरी वाले दरवाजे को साफी कपड़े से बांधा गया था। इसके बाद घर के पिछले हिस्से में बने कमरे जाकर देखा तो दीवार सुराख था और कमरे में रखे बैग से 50,000 रुपये चोरी हो गए थे। वारदात को अंजाम 2 बजे लेकर 4 बजे के बीच दिया गया था। दिनारा थाना पुलिस ने चोरी की वारदात की पड़ताल शुरू कर दी है। संवाददाता दिनारा से रानू राजपूत की रिपोर्ट। ये आपका तो ये चोरी हुई लगभग कितने बजे की बात है? 12 बजे तक हम जगे हैं, मतलब ये 2:30 बजे। तो कहाँ से चोर? पीछे से दीवार? पीछे से चोर दीवार फोड़ के आए हैं। मैंने पीछे से फोड़ी है, हमें ना पहले थे बाहर जो गेट लगा था, बाहर एक टोली की सिर्फ बाहर से अंदर से हम कुंडी लगाए थे, बाहर से मतलब वो उस बात से भक्का सकाए कि हम बाहर को जाते निकल ना सके। तो इसमें लगभग कितने रुपयों की चोरी? थोड़ा बहुत सामान तो बहुत आया, शाम को हम 50,000 रुपये नकदी निकाल के ले आए थे। 50,000 5:30 बजे करीब फिर हमने आके रख दी। बस सभी हमने देखे तो ना दीवार थोड़ी देखी, हमने देखे रुपए तो बैग खाली डरा, डिब्बा नीचे डरा मिला। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी।